नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। यूपी नगर निकाय चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसमें मतदान के दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। हर उम्र के तबके के लोगों ने घर से बाहर निकलकर मतदान में हिस्सा लिया। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। चुनावी मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दलों के दिग्गज लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं भी कर रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान अब 11 मई को है और नतीजे 13 मई को आएंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो गया है कि नगर निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होती है और कौन से जनाधार पाने में विफल रहती है। फिलहाल सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पहले चरण के चुनाव में क्या क्या हुआ है और कितना फीसदी वोटिंग हुई। तो चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर, पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ, मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। बहराइच में 5 बजे तक 49.96% मतदान, वही मैनपुरी में शाम 5 बजे तक 60.45%, हरदोई में 59.45%, रामपुर में 5 बजे तक 47.42%, आगरा में 5 बजे तक 50.19% वोटिंग हुई है। तो चलिए, हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। आशिफ जी, फिलहाल कैसा है माहौल इस समय, वोटिंग का प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कैसा रहा और आज के दिन लोगों में कितना उत्साह दिखाई दिया? आशिफ जी। बिल्कुल सागर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितनी उम्मीदें थी और जिस तरीके से हमने लगातार ये बार बार कहा था कि हम चप्पे चप्पे पे मौजूद होंगे, हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पे होंगे और ये नगर निकाय से जुड़ी हर खबर को हम आपके सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, हमारी टीम जो लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, पूरी मुस्तैदी के साथ वहां जुटी हुई है और उसकी कोशिश ये थी कि कोई भी खबर छूटे ना। और देखिए, हमने पूरी मुस्तैदी से अपने काम को दिखाया भी, समझाया भी, बताया भी। और आज आप समझिए कि जिस तरीके से अभी तक जो वाराणसी में चुनाव प्रतिशत सामने आया है वो 38.45%। देखिए, इस तरीके से अगर आप कह सकते हैं कि इस, अगर आप जो वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले या पुराने वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले, उससे कम हुआ है। जो बार बार, अब आपको पता होगा, बनारस में आज सुबह से भी एक तरीके से एक परेशानी देखने को मिली है। वो परेशानी ये थी कि लगातार वहाँ पे कई सारे लोगों का, कई वोटरों का नाम कटा हुआ था, कई को दूसरे डेस्टिनेशन पे भेज दिया गया, कई लोगों को वोट देने में परेशानी हो रही थी कई बार। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जहाँ बीएलओ थी उनके ही परिवार के लोगों के मेंबर के नाम कटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं सागर आप कह सकते हैं, लेकिन तमाम उठापटक के बाद, तमाम छोटी मोटी छिटपुट घटनाओं के बाद मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। और लगातार चुनाव आयोग हो, निर्वाचन आयोग हो, इस बात की तस्दीक कर रहा था, बार बार ये बात कह रहा था कि चुनाव में किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, उसको कम से कम आप कह सकते हैं कि मुहर लगती दिखी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वोटिंग प्रतिशत की, थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। माना यह जाता है कि जब नगर का चुनाव होता है उसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं। और लेकिन आशा जी, एक चीज मैं ये कहूंगा, देखिए ग्राउंड पर लगातार आज न्यूज इंडिया की टीम ने पल पल की अपडेट पहुंचाई है दर्शकों को। चाहे मैं आपकी बात करूं, निदा, नीतू और नीरज, जिस तरह से अली शरर, तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर रहे, हमने आज के दिन आईना भी दिखाने का काम किया है पहले चरण की वोटिंग को लेकर कि क्या क्या खामियां रही हैं और दूसरे चरण में कैसे इसको पूरा किया जाए। चाहे व्हील चेयर की बात करें, कई जगहों पर दिखाई दिया कि लोग ऐसे ही गए, व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी, कई जगहों पर फर्जी मतदान भी हुआ, ये सब भी आप लोगों ने दिखाया। आशिफ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा काम ही है, हम इसी के लिए, हम इस समाज के चौथे पिलर कहे जाते हैं कि हम तमाम तकनीकी दिक्कतों को या तकनीकी समस्याओं को बताते हैं और ये बताते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। हम उसके लिए एक पैरामीटर तय कराते हैं कि आपको क्या बेहतर चुनना है और क्या बेहतर नहीं चुनना। आपकी मर्जी पर तय करता है कि आप किसको अपना चुनते हैं और किसको नहीं चुनते हैं। आज चुनाव से जुड़ी हर खबर को इसीलिए हमने दिखाया और खासतौर पर प्राथमिकता से दिखाया। बिल्कुल सागर, आपने सही कहा कि ग्राउंड जीरो पर जो हमारे तमाम संवाददाताओं की एक भारी भरकम टीम लगातार लगी और पूरे दिन से वो लोग लगातार एक एक खबर दे रहे हैं, उसमें कितनी तरह की बाधाएं आई हैं, उसमें चुनाव आयोग हो या निर्वाचन आयोग हो, उसको समझना होगा, देखना होगा, जानना होगा और तमाम खामियों को दूर करना पड़ेगा। अगर ये खामियां दूर नहीं होंगी तो इसका बुरा नतीजा,
हो सकता है। खासतौर पे मैं बताऊं कि जो खासतौर पे जो ओल्डेज थे, जो सीनियर सिटीजन थे, उनके लिए भी वो इंतजाम नहीं किया गया था जो होना चाहिए था। एक तरफ आप पिंक बूथ बनाते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं तमाम चीजें बहुत बेहतर है, सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। खासतौर पर बनारस के कई सारे बूथ पे, खास हमने जो बूथ संख्या 10 की बात की उसमें देखिए किस तरह की खामियां नजर आई कि बीएलओ के परिवार के लोगों का नाम काट दिया गया। इस तरह की समस्याएं अगर बाकी के जिलों में भी होता है तो चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो जाएंगे। त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन त्रुटियों को दूर करना ही सबसे बड़ा काम है और त्रुटियों को बताना हमारा काम है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम सरकार की बात करते हैं, हम पत्रकारिता सरकार के लिए करते हैं, इसीलिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमारी टीम चप्पे चप्पे पे मौजूद थी, एक एक खबर उसने छान छान के लाकर दिया है और सबसे बेहतर और सबसे तेज हमने बताया है कि मतदान कितने प्रतिशत हुआ, किस तरीके से हुआ, किन किन टर्म में कहां कहां दिक्कतें आई, कहां परेशानियां हुई। बनारस के भी चप्पे चप्पे पे लोगों की नजर थी, चाहे आप जितने भी। चलिए आशीष जी लौट कर आऊंगा, एक बार हमारी टीवी स्क्रीन पर देखिए न्यूज इंडिया के तमाम धुरंधर रिपोर्टर जो लगातार ग्राउंड जीरो से अब तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे। निदा अहमद, नीतू गुप्ता, हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल है, एक तरफ नीरज मिश्रा है और एक तरफ सहयोगी अली शरर भी है जो की इस समय आगरा में मौजूद है। लेकिन आशिफ जी देखिए, आप लोगों ने तमाम नेताओं से भी आज के दिन बातचीत की है, सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला देखिए बहुत अहम ही है, साग का सवाल बना हुआ है बीजेपी के लिए भी कि कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए और ये विपक्षियों को दिखाया जाए कि लोकसभा चुनाव में भी यही हाल आप लोग का होने वाला है। आशिफ जी, सागर, ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आप देखिए किसी भी चीज को बचाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिसको छीनना है वो तो लगातार उस कोशिशों में है, लेकिन बचाने वाले की चिंता ज्यादा होती है क्योंकि आपको अपने सिरमौर को बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है। पिछले बार की आप नगर निकाय चुनाव की बात करें तो 14 नगर निकाय चुनाव बीजेपी ने जरूर जीते थे, 2 बहुजन समाज पार्टी का और 1 निर्दलीय ने जीता था। इस बार चैलेंज बड़ा है क्योंकि इस बार वो तमाम चीजें फिर से दोहरानी है। दूसरी बार आपकी सरकार आ चुकी है, दूसरी बार केंद्र में भी सरकार आ चुकी है और दूसरी बार राज्य में सरकार आ चुकी है। चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा है, चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा है। चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि लोगों को निकाल के ले जाना और घरों से बाहर ले जाना, रोड कराना। एक आखिरी बात मैं कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि सागर, सबसे जो बड़ी चीज रही है कि नगर में एक बड़ी समस्या देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी बात करे या फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी, लेकिन ये लोग अभी तक नगर के लोगों को अवेयर नहीं कर पाए हैं। आप सोचिए कि जब भी वोटिंग प्रतिशत की बात आती है ये शहरों में कम होता है। आप ग्रामीण इलाकों में अगर बात कर लें, आप नगर पंचायत की बात कर लें, नगर परिषद की बात कर लें, वहां वोटिंग प्रतिशत बहुत बेहतर रहा है, लेकिन अगर नगर निगम की बात करें तो वहां वोटिंग प्रतिशत उस तरीके से नहीं हुआ, उस तरीके से एग्रेसिव वोटिंग नहीं हुई, उस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते नजर आए जैसे वो सोचते हैं, जैसा वो कहते हैं। शिकायतें बहुत होती है, मैं आम लोगों के लिए भी ये कहूंगा कि शिकायतों का अंबार लेके 5 साल बैठे रहते हैं, लेकिन जब शिकायतें दूर करने की बारी होती है, जब अपनी जिम्मेदारी निभाने की बारी आती है तो घर में बैठ के टीवी रिमोट हिलाते रहते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी भी कि वो भी बाहर निकलते, वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते। इसलिए सवाल खड़े करने से पहले आपको भी उस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। सागर, चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा। सहयोगी नीतू भी बनी हुए। नीतू, क्या लोगों का आज के दिन आपने सुना, राय क्या थी लोगों की? क्योंकि कई लोग नाखुश भी दिखाई दिए, कई लोग खुश भी दिखाई दिए पहले के कामों से, और वोटरों में कितना उत्साह और वोटिंग प्रतिशत पहली बार की अपेक्षा कितना वहां पर बढ़ा है और कितना लगता है कि सुधार होना चाहिए दूसरे चरण में आने वाले और जहां पर जिलों में चुनाव है। नीतू, सागर देखिए, सुबह से हम कवर कर रहे थे और शाम के 6 बजे तक हमने कवर किया और ऐसे में सुबह के वक्त का हमने नजारा देखा, तब लोगों में उत्साह काफी ज्यादा था, लोग बढ़ चढ़कर अपने घर से बाहर निकल रहे थे, वोट कर रहे थे और धीरे धीरे जब खामियां नजर आने लगी तो लोगों में आक्रोश भी आने लगा। खामियां यही बिल्कुल जिस तरह से आशिफ जी कह रहे थे कि कई जगहों पर बूथ जो है वो चेंज किए जा रहे थे लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं। हमने कई लोगों से बातचीत की, वो इसी वजह से परेशान हो गए कि दिन के वक्त गर्मी जरूर महसूस हुई है और उस गर्मी में लोग परेशान है, इधर से उधर बूथों पर जा रहे हैं लेकिन वो वोट नहीं डाल पा रहे। यहां तक कि बड़ी जो त्रुटियां रही हैं वो उसमें ये भी रहा है कि कई लोगों के नाम में स्पेलिंग अगर डिफरेंट हो गया है उस वजह से भी वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, या फिर फोटो मैच नहीं कर पा रहा है इस वजह से भी वो वोट नहीं डाल पा रहे। कई ऐसे वोटर्स भी मेरे को मिले जिन्होंने मुझे ये कहा कि अभी तक तो हम इसी पर वोट देते आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार हमें बहुत अलग अलग तरह की दिक्कतें हो रही हैं और इस वजह से वोट नहीं दे पा रहे। तो
यानी कि शाम होते होते जो वोट प्रतिशत था वो इस वजह से ही डाउन हो गया कि जिस तादाद में लोग घर से बाहर निकले थे वोट करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि वोट नहीं दे पाए। मुरादाबाद की बात करें तो देखिए 48% से ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन नगर निगम की बात करें तो 35% तक मतदान जो है वो सिमट कर रह गया, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले बेहद कम रहा। उसकी वजह यही है, यही तमाम जो खामियां हैं वही पाई गई हैं कि लोग शाम के वक्त काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। अब अगर बात नेताओं की जाए तो नेताओं ने आज दिनभर हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उन्हीं की पार्टी जो है वो प्रचंड जीत दर्ज करेगी, चाहे वो बीजेपी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए। लेकिन जो लोग निकले थे घर से बाहर, उन्होंने स्थानीय मुद्दों को ही देखकर, जो परेशानी उनके इलाके की थी, उन्हें इलाकों की परेशानी को लेकर ही वो आज वोट करने घर से बाहर निकले। लेकिन सुबह के वक्त जरूर लोगों में उत्साह नजर आया, लेकिन धीरे धीरे ये उत्साह कम होता हुआ शाम के वक्त हमने देखा। बिल्कुल, देखिए न्यूज इंडिया की टीम इस समय ग्रामीण इलाकों में भी देखिए मौजूद है, खेत खलियानों के बीच से इस समय नीतू खड़े होकर लाइव दे रही थी। हर एक जगह पर हमारे रिपोर्टर इसी तरह से आज के दिन मौजूद दिखाई दिए। सहयोगी अली शरर इस समय ताज नगरी आगरा में। अली, ताज नगरी में किसके सर पे ताज सजेगा, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद ही क्या होता है, कई नेता लोग आकलन ये लगा लेते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। अली, देखिए सागर, दुनिया भर में ताज नगरी आगरा के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस बार यहां पर बेहद कम वोटिंग परसेंटेज इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों का ये कहना था कि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं था। 5 बजे की अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो 34.45 ही सिमट के रह गया है, यानी कहा जा सकता है कि 50% से भी कम आंकड़ा इस बार रहा है, क्योंकि साफ तौर पर लोगों का यही कहना था कि इस बार हमारा नाम कट गया है। जैसे कि मेरी अभी सहयोगी नीतू बता रही थी या आसिफ जी बता रहे थे कि जो समस्या सबसे बड़ी आई है कि पोलिंग बूथ इधर से उधर कर दिए गए हैं, तो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा और आधे से ज़्यादा लोग इस बात को समझते हुए घर वापस लौट गए कि अब दूसरे बूथ पर जाना होगा, तो ये बड़ा कारण माना जा रहा है। हालाँकि जो नाम कटे हैं उसको लेकर लोगों के आगरा की जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई दे रहा था। सागर, चल ठीक है। सहयोगी निधा भी लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं और कई दिग्गज नेताओं से भी इन्होंने बात किया जो मतदान केंद्रों पर पहुंचे आज के दिन अपने मत का इस्तेमाल किए। निधा, ताजा अपडेट क्या वोटिंग परसेंटेज को लेकर और कैसा माहौल दिखाई दिया आज के दिन पहले चरण में? चलिए निधा के पास पहुंचेंगे आपसे कुछ ही देर में। नीतू, अगर हम बात करें पहले चरण की वोटिंग को लेकर जो खामियां दिखाई दी, क्या दूसरे चरण में लग रहा है कि उन खामियों पर काबू पा पाएगी? जिस तरह से चुनाव आयोग की टीम ने पहले तो दावे किए थे कि हाँ कहीं पर भी परेशानियां नहीं होंगी, चाहे बात हम व्हील चेयर की करें, फर्जी वोटिंग को लेकर करें, मतदान जो पर्चियां लोगों की जिस तरह से उनमें त्रुटियां पाई गई। नीतू, देखिए जो खामियां आई हैं वाकई कहा जाता है कि अगर गलती हुई है, खामियां आई हैं, तो उसको दुरुस्त करना ही हर किसी की जिम्मेदारी होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि चुनाव अधिकारी को इस बार देखना होगा, और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, एक जिले की बात नहीं है, तमाम जिलों से इसी तरह की खबरें आ रही है। तो वाकई जब दूसरे चरण में मतदान होगा तो हर किसी की कोशिश होगी कि हर कोई घर से निकलकर वोट करे, और जब वो वोट करने के लिए निकल रहा है तो हर एक वोट बेहद कीमती होता है, और अगर उसका वोट इसी तरह से बर्बाद जाएगा तो आने वाले वक्त में किस तरह से हम वोट करेंगे, और जनता के बीच जो एक बार फिर से वोट करने को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि आज जो खामियां पाई गई हैं, इन खामियों को दूर करने का जो जिम्मा है चुनाव अधिकारी को लेना होगा, और जितनी भी त्रुटियां आई हैं इनको अगले चरण में इन त्रुटियों को कम करने की कोशिश करनी होगी, ठीक करने की कोशिश करनी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके और एक सही सरकार जो है वो बनाई जा सके, क्योंकि बहुत जरूरी है एक सही सरकार। सहयोगी निधा भी जुड़ गई है। निधा, फर्जी वोटिंग का जिक्र आज के दिन बहुत हुआ, बुरके में फर्जी वोटिंग डाली गई, बीजेपी ने आरोप इस तरह के भी लगाए, क्या ये केवल आरोप ही है या फिर वाकई में आज के दिन फर्जी वोटिंग हुई है और इस पर अब कमी लानी होगी, चुनाव आयोग को भी सख्त एक्शन अब लेना होगा? निधा, सागर, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, रही बात ये कि बुरखे के आड़ लेकर के फर्जी वोटिंग की है, तो जहां जहां बुरखा चल रहा था, मतलब पर्दा नशी नजर आ रही थी, बुरखे वाली नजर आ रही थी, वहां पर हमें यहाँ पर कम से कम सहारनपुर में तो कई बूथ ऐसे थे जहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी, चेकिंग के लिहाज से भी बहुत ज्यादा चाक चौबंद इंतजाम हमें देखने को मिले थे, क्योंकि कोई भी बुरखे वाली या कोई भी ऐसा जिसका चेहरा ढका हुआ हो या जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही हो, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 7 से 8 बार चेक किया जा रहा था, हर ढंग से चेक किया
जा रहा था, चेहरा खुलवा करके चेक किया जा रहा था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी पर्दे की आड़ लेकर के या बुरखे की आड़ लेकर के कोई भी फर्जी वोटिंग सहारनपुर में हुई है। यहाँ मुझे ऐसा कोई भी मामला देखने को नजर नहीं आया। फिलहाल जिस बूथ पे मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ, क्योंकि 6 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, 6:16 हो रहे हैं, तो ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो अब पोलिंग बूथ पर हम दिखाएंगे आपको कि जो मशीनें हैं उनको सील करने की हो रही है। ऐसे में सारा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आएगी। और इसके अलावा अगर बाहर गेट की तरफ देखें, मनीष एक बार जरा कैमरा घुमाइए, गेट की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो रह गए थे, भागते भागते किसी काम में बिजी थे, व्यस्त थे, नहीं आ पाए। लेकिन अब क्योंकि ये गेट जो है वो बंद हो चुका है और अंदर, अब अगर अंदर की हम बात करें तो वहां पर मशीनों को सील करने का काम जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि कुछ वोटर्स हैं ऐसे, क्योंकि 6 बजे तक जिन मतदाताओं की एंट्री गेट के अंदर हो गई है इस कॉलेज में, उनका वोट पड़ेगा। तो जैसे ही वो लोग जो भी अंदर हैं उनका वोट पड़ जाता है, तो उसके बाद मशीनों को सील करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी यहाँ पर। सागर जी, सहयोगी नीरज भी लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, निदा एक तस्वीर दिखा रही थी, देखिए जहाँ पर वो इस समय मौजूद है। कई लोग मतदान केंद्र पर देर से पहुंचे, अब उनका वोट जो है बर्बाद अब हो गया, अब उन्हें वोटिंग का मौका अब नहीं मिलेगा। ऐसे में लोगों को समय से पहुंचना चाहिए। चुनाव आयोग भी लोगों से अपील करे कि आप मतदान केंद्र पर समय से पहुंचे, कि एक वोट बहुत कीमती है सभी का। नीरज जी बिल्कुल, देखिए अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी वोटिंग प्रतिशत इस बार काफी कम रहा है, खास तौर पर नगर निगम में, नगर पंचायत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो जहां पर वोट पड़ने थे वहां पर सजावट तो बहुत अच्छी की गई थी, गुब्बारे लगाए गए थे, पानी का इंतजाम था, व्हील चेयर थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो थी यहां पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब थे। और ये स्थिति हर जगह थी, लखनऊ के हर एक बूथ पे ये समस्या देखने को मिली थी कि कई कई नाम, यानी कि एक एक बूथ से करीब 100-100 लोग हमें ऐसे मिले जिनके नाम गायब थे, और ये पहली बार ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें आगे जो चुनाव होने हैं उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि लोग आ रहे हैं, अपना वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। व्यवस्था शासन ने अच्छी करी, गुब्बारे, बैलून, हर तरह से सजावट करके बूथ सजाए, लेकिन जब लोगों के नाम ही लिस्ट में नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तमाम लोग वोट डालने आए थे लेकिन वो वापस लौट गए। हमारे साथ ऐसे तमाम लोग मिले जो अपनी बारी का इंतजार करते रहे, जाकर ढूंढते रहे अपना नाम, लेकिन इस बार उनको नाम नहीं मिला। तो सबसे बड़ी समस्या मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों के नाम नहीं थे। सवाल लेकर अली, मतलब कि कारपेट और गुब्बारे सजाने से कुछ नहीं होने वाला, चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया है चुनाव को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, खामियों में देखिए अब सुधार भी करना होगा। जिस तरह से जिक्र कर दिया नीरज ने कि लखनऊ में भी वही परेशानियां लोगों के सामने रही कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, लोग दौड़ते हुए दिखाई नजर आए वहां पर। देखिए बिल्कुल सागर, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया था, और जो जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे उनको कहा गया था कि वो पूरी तरह से सुनिश्चित करा लें किस किस का वोट कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, क्योंकि जो वोटर पहले से वोट देते आए उनका इस बार आरोप था कि उन्हें इस बार वोट नहीं डालने दिया जा रहा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो कहीं फोटो में कहीं कोई समस्या आ रही है, उसको लेकर के आज कहीं ना कहीं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है, खासकर मतदाता को जो आगरा के अंदर मौजूद है। और शायद बड़ा कारण यही है जो इस बार 35% भी जो वोट प्रतिशत है वो आगरा का नहीं रहा। हालांकि जो 34 साल से यहाँ पर सत्ता में या नगर निकाय की सीट पर मौजूद हैं, इस बार जो दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाली 13 तारीख में किसके पक्ष में जनता फैसला करती है। लेकिन ये कहा जरूर जा सकता है कि बिल्कुल अली, 13 तारीख का इंतजार है सभी पार्टियों को भी और आम जनता को भी कि हमारे नगर में कौन सा नेता चुनकर आएगा। शुक्रिया अली आपका, निदा आपका, नीतू आपका, नीरज आपका, आशिफ जी आपका, पूरी जानकारी के लिए और ग्राउंड के हालात बताने के लिए। वही यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर आगरा में 1515 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिन पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़े इंतजाम भी किए गए, पुलिस कर्मियों की भी तैनाती दिखाई दी और सकुशल फिलहाल ये संपन्न हो चुका है। 7 बजे से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी रही। वही आगरा पुलिस कमिश्नर पतिंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अली शरण ने, वो भी आप देखिए। आगरा में नगर निकाय चुनाव आज सुबह 7 बजे से चल रहा है। मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर आगरा मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फोर्स तैनात की गई है। आपसे जानना चाहेंगे, बताया जा रहा 1515 यहाँ पर पोलिंग बूथ है, कितनी बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई है? देखिए 1515 टोटल हमारे जितने भी नगर पंचायत हैं, नगर पालिका है और एक नगर निगम है, उसमें इतने बूथ हैं।
जो हमारे तीन जोन्स हैं सुपर जोन्स, जिसमें सिटी है, ईस्ट है, वेस्ट है। यहाँ हमारी सिविल पुलिस लगभग 6500 की सिविल पुलिस लगी हुई है, और उसके अलावा 3 कंपनी PSC और पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें 1 कंपनी RAF है, और इसके अलावा बाकी जो होमगार्ड्स हैं और PRD के जवान हैं वो भी इसमें तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हमारे इसको टोटल 128 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और 30 जोन्स में डिवाइड किया गया, जिसमें जोनल पुलिस ऑफिसर्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और 70 हमारी क्लस्टर मोबाइल्स हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में 5-5, 6-6 उनको पोलिंग सेंटर्स दिए गए हैं, ताकि वो भ्रमण करके कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की इशू आए या कोई और अन्य समस्या आती है तो तुरंत उसको हैंडल कर पाएँ। उनके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी तैनात हैं, ताकि अगर EVM में परेशानी आती है या बैलेट पेपर में कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ भी वो तुरंत पहुँच पाएँ। ये टोटल सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा हमारी जो माउंटेड पुलिस है वो भी भ्रमण कर रही है। अत्यंत संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर किस तरह की निगरानी रखी जा रही है? देखिए, अति संवेदनशील प्लस में हमारे 30 बूथ्स हैं, 30 पोलिंग सेंटर्स हैं, पोलिंग लोकेशंस हैं, जिसमें एक्स्ट्रा PSC दी गई है, जिसमें 3 कंपनी 1 प्लाटून PSC हमारे पास, और उसके अलावा वहाँ लगातार वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सब जगह वीडियोग्राफर हैं, जो 30 हमारे अति संवेदनशील प्लस हैं, और उसके अलावा वहाँ कुछ जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और एक्स्ट्रा फोर्स उनको उपलब्ध करवाई गई। अच्छा, अगर यदि कोई व्यक्ति फर्जी वोट डाला पाया जाता है, या आप सुबह 7 बजे से हैं, तो क्या भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो फर्जी वोटिंग के मद्देनजर वोटिंग पोलिंग बूथ पर गया हो? नहीं, 3-4 पोलिंग सेंटर्स पे अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे वोटर्स डिटेन किए गए हैं जिनके पास फर्जी ID कार्ड था या फर्जी आधार कार्ड था, और उसके अलावा 2 कल मुकदमे भी कायम हुए हैं, जिसमें कई सारे फर्जी आधार कार्ड, उनको बनाने के उपकरण, और 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें अभी हमारी टीम जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें और भी अरेस्टिंग होने की संभावना है। कैमरामैन नरेश के साथ अली शरण, न्यूज़ इंडिया, आगरा। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।